चाहे पवन जी हो चाहे खेसारी जी हो, जिनको सपोर्ट करना रहेगा तो मैं हाथ जोड़ करूंगी, तब नहीं सपोर्ट करेगा दिल से। अगर मन करेगा कि ये बच्ची ये हमारे इंडस्ट्री के लिए किए हैं, ये सच में गलत नहीं है, यहाँ से फील होना चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस तिशाकर मधु का एमएमएस साल 2021 यानी कि 2021 के अगस्त महीने में वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक्ट्रेस एक शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आई थी। वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका भी मचा दिया था, जिसके बाद तिशाकर मधु ने लोगों से इस वीडियो को शेयर ना करने की अपील भी की थी। आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये बात हम आपको फिर से क्यों बता रहे हैं, बल्कि ये बात और ये किस्सा तो काफी पुराना हो चुका है और इस कांड की शिकार तिशा भी अपने जीवन में आगे बढ़ अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दे रही हैं और लगातार इंडस्ट्री में अब काम भी कर रही हैं। तो आपके मन में आए सवाल का जवाब ये है कि किस्सा भले ही पुराना हो, मगर एक्ट्रेस ने हाल ही में इस किस्से का जिक्र करते हुए और उस समय उन्होंने किन स्टार से मदद यानी कि सपोर्ट मांगा था या नहीं, उसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने क्या बताया वो आपको हम बताएं। उससे पहले बता दें कि तिशाकर मधु का जब ये किस्सा सामने आया था, उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार्स से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की है, खासकर उन स्टार्स से जिनके साथ तिशाकर मधु ने काम किया है, यानी कि पवन सिंह और हिट मशीन खेसारी लाल यादव जैसे स्टार्स से। मदद इन स्टार्स से मिली या नहीं ये बात की बात है, मगर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या वाकई में तिशाकर मधु ने इन स्टार्स से मदद मांगी भी थी या नहीं। आप भी सुनिए इस बारे में तिशाकर मधु ने क्या कहा। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और उसे हर जगह वायरल किया, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों की इस हरकत ने मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और आप लोगों ने ये भी दिखा दिया है कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं या फिर गवार हैं। मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आता है कि मैं अकेले लड़की अपने आप से इन सब चीजों से लड़ती रही और आप लोग बस देख कर मजा लेते रहे। शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता तो आप लोग भी ऐसे ही मजा लेते शायद और ट्रोल होते। अगर आपके साथ या आपके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा होता या फिर हुआ है तो आप ऐसे ही करते क्या, इसी तरह का एक्शन लेते क्या? जो लोग मुझे गलत बोले मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं गलत थी या गलत हूं, क्योंकि मैंने विश्वास किया था किसी पर। मैं नाम नहीं लूंगी, ना ही आज तक किसी का लिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, तो मुझे जीने का हक है या नहीं ये तय करने वाली मेरी माँ है, आप लोग कोई नहीं। जिन लोगों ने मुझे ये कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा करने के बाद आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो उन्हें मैं बता दूं कि जिंदगी पर हक मेरी माँ का है। अगर मरना भी होगा तो उनकी परमिशन मैं जरूर लूंगी। अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं तो मुझे मत देखिए, मगर मेरे बारे में गलत भी मत कहिए। अगर गलत बोलना ही है तो अपने आप को मेरी जगह रखकर फिर गलत बोलिएगा, चाहे कोई भी हो। जो लोग मुझे बायकॉट किए उनसे सवाल है मेरा कि पेमेंट ड्यू के टाइम पर आप लोग बायकॉट क्यों नहीं किए, तब पोस्ट क्यों नहीं किया कि पेमेंट भी बाकी है आपका, क्योंकि अपना गलत किसी को नहीं दिखाई देता ना। और जिस पोस्ट से आपने पवन सिंह खेसारी के सपोर्ट वाली बात कही वो मेरी आईडी नहीं है, मैंने तो अब जाके अपनी आईडी शुरू की है उस पर साईं बाबा का पोस्ट डालकर, वो मेरा आईडी नहीं था। और जहां तक रही सपोर्ट की, तो अगर इन स्टार्स को दिल से होगा तो ये सपोर्ट जरूर करेंगे, मुझे पोस्ट करके सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आज भी उनके पास हाथ जोड़कर जाऊंगी तो क्या ये सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा? जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। तिशाकर मधु ने अपने दी इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है कि उन्होंने किसी भी तरह का पोस्ट करके कोई किसी से सपोर्ट नहीं मांगा था, और अगर ऐसी नौबत आई भी तो वो सामने से जाके सपोर्ट मांग लेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को बीते हुए काफी अरसा बीत चुका है, मगर हर बार होते इस पर खुलासे, हर बार होती इस पर बातें, इसे फिर से जिंदा कर देती है। फिलहाल आपका इस नए खुलासे के बारे में, इस नई बात के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा हमें, दीजिएगा राय कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइफ की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइफ के साथ।